मैं मुरली वाला टावर में पिछले 4 साल से रह रही हूँ और 4 सालों में बहुत सी प्रॉब्लम्स आई है, कभी लिफ्टों की प्रॉब्लम है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, लेकिन ठीक है, हम लोगों ने सफ़र किया कि जैसे तैसे हम लोगों का यहाँ मन लग गया है, सब लोग बहुत अच्छे हैं, हम लोग रह रहे हैं। पर इस बार जो हमारी प्रॉब्लम आई है वो इतनी आई है कि बेसमेंट में पानी आ गया घुटने तक और लिफ्टें बंद है पिछले 1 वीक से। बिल्डिंग के सब जेंट्स, सब लेडीज, छोटे छोटे बच्चे इतना सफ़र कर रहे हैं, बुज़ुर्ग तो ऐसे हैं कि हफ्ते से ऊपर ही बैठे, नीचे आ ही नहीं है। और हम लोगों ने बहुत बार बिल्डर को फ़ोन कर दिया है, हमारे पास पूरी स्क्रीनशॉट है, बिल्डर को हमने फोटोज़ खींच के व्हाट्सअप किया, रात को वीडियो बना। अब क्या कह रहे हैं बिल्डर? कह रहे हैं मुझे इस रिगार्डिंग कोई भी कॉल मत करो, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी बहुत हो रही है सर, हम लोगों ने पूरी आपको दिखाया है, नीचे का पूरा ग्राउंड फ्लोर दिखाया है कि कितनी प्रॉब्लम है, करंट आ सकता है। और 40 फ्लैट की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? बिल्डर से हमने परचेज किया है तो बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो। अगर बिल्ड पानी से ज़्यादा पानी का बहाव आ गया, बिल्डिंग दब गई, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से प्लीज़ कि हमारी जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान निकालो, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालो। हम लोग और सफ़र नहीं कर सकते हैं और हम लोग आगे भी कोई प्रयास करेंगे जिससे हमारा जो भी प्रॉब्लम है वो जल्दी सॉल्व होए। थैंक यू। अंजलि डागा। परेशानी मतलब दिन में कितने राउंड होते हैं जब ऊपर नीचे चढ़ना पड़ता है, 5th फ्लोर पे 7th फ्लोर पे चढ़ना, सीढ़ियाँ, बच्चों के साथ में स्कूल से आते हैं उनका बैग लेके चढ़ना बहुत मुश्किल है। प्लस मेरी मदर इन लॉ 70 ईयर की है, उनके हिप जॉइंट रिप्लेस हुआ है, उनको डॉक्टर को दिखाना है बट वो ना तो नीचे चढ़ सकते हैं ना ऊपर चढ़ सकते हैं। मतलब कोई भी प्रॉब्लम आए उनको वो ऊपर ही बैठे हैं, बेसमेंट में इतना पानी है। सोसाइटी, हमने बिल्डर को जानकारी दी है, फोटोज़ भेजे हैं बट कोई रिस्पांस नहीं है। उसका ये है आपकी प्रॉब्लम है आप सॉल्व करो, पर ये 40 फैमिली की प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करें? पानी इतना भरा हुआ है, मच्छर है, मलेरिया, डेंगू, सबके चांसेस है बट कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हाँ, यहाँ के पार्षद को करवाया गया है पर उसने भी कोई मतलब अभी तक हमारी कोई हेल्प नहीं की है।